प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध कुमाऊं मंडल पहुंचे। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में पीएम मोदी आदि कैलाश के दर्शन करने गए। आदि कैलाश के पास स्थित पार्वती कुंड में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंचे। पीएम के आगमन को देखते हुए मार्ग को बेहतरीन ढंग से सजाया गया था। मार्ग के दोनों ओर फूलों की मालाएं सजाई गई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में भक्ति भाव से आदि कैलाश को प्रणाम किया। काफी देर तक वो बर्फ से ढके और सूर्य की रोशनी में चांदी से चमक रहे आदि कैलाश को भक्ति भाव से निहारते रहे। कुछ देर हाथ जोड़े और मंत्र जपे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्ति भाव से वहां बनाए आसन पर बैठ गए। फिर पीएम मोदी ने आदि कैलाश का ध्यान लगाया। भगवान शिव में पीएम मोदी की अगाध श्रद्धा किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी ने पार्वती कुंड मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पीएम मोदी थोड़ी देर तक प्रवेश द्वार पर ध्यान मग्न रहे। इसके बाद उन्होंने मंदिर के बाहर ही एक पूजा की। मंदिर में प्रवेश करते ही पुजारी ने पीएम मोदी को तिलक लगाया। पीएम मोदी ने इसके बाद पार्वती कुंड मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के अंदर पीएम मोदी डमरू बजाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने लगे। पीएम मोदी ने पूजा की ज्योति भी फिराई। इसके बाद पीएम मोदी ने शंख बजाया। पूजा संपन्न होने पर पुजारी ने पीएम मोदी को कलावा बांधा। पीएम मोदी ने पुजारी को दक्षिणा दी। इसके साथ ही पार्वती कुंड मंदिर में पीएम मोदी द्वारा की गई पूजा संपन्न हो गई। इसके बाद पीएम मोदी के दौरे का अगला पड़ाव गुंजी गांव रहा। डेस्क रिपोर्ट, ईटीवी भारत।